Today we will start with the sum number 8. Following is the trial balance of Shirish and Girish as on 31st December 99, who are sharing profits and losses in the ratio of 2:1. So partners ka profit sharing ratio 2:1, ये आपको partners capital accounts के आगे यहाँ पे bracket में लिखना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 पहला एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है. पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st दिसंबर 99 वैल्यू एट रुपीज 24,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट्स, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको मार्किंग करना नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर बाय रुपीज 800. तो ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ये दोनों एसेट्स को मार्किंग करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% फर्नीचर बाय रुपीज 800. तो ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ये दोनों एसेट्स को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2,000. तो ट्रायल बैलेंस में वेजेस को मार्किंग करना है. आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, ट्रायल बैलेंस में वेजेस को मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट गुड्स टेकन बाय गिरीश फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 1,000, नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स. Fourth adjustment, goods taken by Girish for his personal use, rupees 1,000. So this is the adjustment. This is the adjustment of goods withdrawn by partner for personal use. Fourth adjustment है, goods withdrawn by partner for personal use. इसके दो effects है. एक effect है trading account credit side and second effect है partner's capital account debit side. Fourth adjustment, इसके दो effects. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो फोर्थ एडजस्टमेंट इसका मार्किंग आपको करना नहीं है. लास्ट एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स रुपीज 1,500 कस्टमर हैज नॉट येट टेकन डिसीजन. ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है इसके फोर इफेक्ट्स है. लास्ट एडजस्टमेंट इसके फोर इफेक्ट्स है. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है सेल्स. ट्रायल बैलेंस में सेल्स को मार्किंग करना है और डेटर्स को मार्किंग करना है. लास्ट एडजस्टमेंट इसको मार्किंग करना है आपको सेल्स एंड डेटर्स. लास्ट एडजस्टमेंट इसके आपको चार इफेक्ट्स देने हैं. लास्ट एडजस्टमेंट के फोर इफेक्ट्स हैं. दीज आर द फाइव एडजस्टमेंट्स व्हिच आर गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस. इन एडिशन टू दीज फाइव एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस में आपको 15% बैंक लोन इसको मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में 15% बैंक लोन. बैंक लोन के आगे ब्रैकेट में डेट दिया है टेकन ऑन 1799. तो फ्रॉम 1799 टिल 31st दिसंबर 99 ये बैंक लोन का आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो 15% बैंक लोन इसको भी मार्किंग करना है. जिसको मार्किंग किया वो इनर कॉलम में लिखना है. जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है. ट्रायल बैलेंस का पहला फर्स्ट वर्ड है गुडविल. गुडविल बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम 20,000. गुडविल बैलेंस शीट एसेट आउटसाइड कॉलम 20,000. नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम 80,000. एक लाइन प्लांट एंड मशीनरी के नीचे एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है.
patents, balance sheet, asset side. Outside column 10,000. Carriage. Carriage, trading account, debit side. Carriage, trading account, debit side. Outside column 8,600. Postage and telegram. Postage and telegram, profit and loss account, debit side. Postage and telegram, profit and loss account, debit side. Outside column 1,400. Power and fuel. Power and fuel, trading account, debit side. Power and fuel, trading account, debit side. Outside column 6,000. Debtors, debtors, balance sheet, asset side, inner column. Debtors को adjustment है, तो debtors, balance sheet, asset side, inner column, 24,000. एक लाइन आपको debtors के नीचे, एक लाइन आपको adjustment के लिए blank रखना है. Next word है trade expenses. Travels में word है trade expenses. अभी ये जो ट्रेड एक्सपेंस है, इसका एक रूल है. तो ट्रेड एक्सपेंस का जो रूल है, ये रूल आपको बैलेंस शीट के आगे हमने जो पेज ब्लैंक रखा हुआ है वहां पे एक रूल लिख के लेना है. बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रख के लिए ब्लैंक रखा हुआ है वहां पे आपको ट्रेड एक्सपेंस का एक रूल लिखना है. तो रूल फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, इफ इन द ट्रायल बैलेंस, if in the trial balance, office expenses, general expenses or sundry expenses are given, if in the trial balance, office expenses, general expenses or sundry expenses are given, then trade expenses are recorded in trading account debit side. If in the trial balance, office expenses, general expenses or sundry expenses are given, then trade expenses are recorded in trading account debit side. If they are not given, if they are not given, then trade expenses are recorded in profit and loss account debit side. If they are not given, then trade expenses are recorded in profit and loss account debit side. So trade expense jo hai, trade expenses, sometimes they are recorded in trading account debit, sometimes they are recorded in profit and loss account debit. It depend upon office expenses, general expenses and sundry expenses. तो इन दिस प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस में आपको ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड सेंट्री एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन. इन दिस प्रॉब्लम इन द ट्रायल बैलेंस ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस और सेंट्री एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन. देयरफॉर ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इन दिस प्रॉब्लम ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस में आपको ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड सेंट्री एक्सपेंसेस नॉट गिवन. तो ट्रेड एक्सपेंस को आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है. तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो है, ट्रेड एक्सपेंसेस को हमने इस सम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड.
profit and loss debit side. Outside column 3000. Furniture, furniture balance sheet asset side. Furniture balance sheet asset side inner column. Inner column 14200. Furniture को depreciation का adjustment है, तो amount inner column है. Wages, wages trading account debit side. Inner column. Wages को adjustment है, तो trading account debit side. Inner column 28000. Purchases, purchases trading account debit side. Inner column. Purchases trading account debit side. Inner column 59000. एक line purchases के नीचे blank रखना है. In order to subtract the purchase return. तो purchase return minus करने के लिए आपको purchases के नीचे एक line adjustment के लिए blank रखना है. Next word है stock. Trial balance में जो stock है वो हमेशा आपका रहता है opening stock. Trial balance में जो stock है this is opening stock. तो trading account debit side first line. To opening stock. Outside column. Outside column 20,800. Opening stock trading debit. Printing and stationery. Printing and stationery profit and loss account debit side. Printing and stationery profit and loss debit side. Outside column 5200. Interest on bank loan. Interest on bank loan profit and loss account debit side inner column. Interest on bank loan इसको marking करना है. इसको marking करना है. Interest on bank loan profit and loss account debit side inner column. एक line interest on bank loan के नीचे blank रखना है. Land and building. Land and building balance sheet asset side. Land and building balance sheet asset side. Outside column. Outside column 1,06,600. 1,06,600. Next word is discount. Trial balance में जो discount है डिस्काउंट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया है. तो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस में जो डिस्काउंट है डिस्काउंट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. 800 रुपीज आउटसाइड कॉलम. कैश इन हैंड. कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड. Cash in hand, balance sheet, asset side. Outside column 1000. ये हो गया आपका trial balance का debit side का posting. अभी trial balance में ये जो credit side में जो words है इसका posting करना है. Trial balance का credit side का पहला word है 15% bank loan. 15% bank loan, balance sheet, liability side, inner column. Fifteen percent bank loan, balance sheet, liability side, inner column, 60,000, एक line, blank रखना है. Capital accounts, trial balance में जो capital accounts है, इसको आपको लिखना है partners capital account credit side, partners capital account credit side, by balance brought down.
capital accounts, Shirish 80,000, Girish 60,000. ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम 41,000. नेक्स्ट वर्ड है कमीशन. ट्रायल बैलेंस में ये जो कमीशन का जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे. ट्रायल बैलेंस में कमीशन का अमाउंट ये क्रेडिट साइड पे, तो इसको आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. अमाउंट ऑफ कमीशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड. तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट आउटसाइड कॉलम, आउटसाइड कॉलम 800. और लास्ट वर्ड है सेल्स. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इनर कॉलम. सेल्स को एडजस्टमेंट है, सेल्स को एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है 1,50,400 इनर कॉलम. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय सेल्स इनर कॉलम 1,50,400. ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग.